Hello people, welcome to this channel. This is Akash Vimal. How are you guys doing? I'm back with another video. So actually I was very excited for this video because I wanted to tell you guys this, that I recently rescued one baby squirrel again. I know this pehle bhi aisa kuch hua tha, but I could not save that baby, but this time it was different. So I was in the market, I was just buying some things, some food items for my dogs and all, you know, vegetables and things like that. Then I heard some voice, kisi squirrel baby ki voice thi, he was screeching, and I saw one baby, he fell from a tree, aur ek ped ke niche wo gira hua tha, aur ek squirrel uske aas paas round laga rahi thi. So I got interested, obviously, jaise ki you guys know about me. So I got interested and I started observing like what is happening. So the baby was quite small, very much small, and the mother, she was really tensed, and all around she was just going here and there. The baby is quite big but still very much small, ki wo itna chota nahi tha ki jo squirrel hai wo usko utha kar le ja paaye. So I was observing aur ekdam se bahut sare crows, bahut sare kauwe aa gaye, and they started attacking the baby, and I got tensed and I ran. और मैंने उनको उड़ाया, एंड दे वर अराउंड 15, ऑलमोस्ट 15 क्रोज ओवर देयर. देन आई वेटेड फॉर द मदर टू कम बैक. देन शी केम बैक, शी वाज जस्ट यू नो, शी वाज जस्ट लुकिंग फॉर अ वे कि वो कैसे अपने बच्चे को ऊपर ले जा पाए. सो दिस वाज इवनिंग टाइम, इवनिंग का समय था ये, एंड इट वाज ऑलमोस्ट रेनिंग, ड्रिजलिंग, बहुत बहुत छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी. तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर द नेस्ट, बट आई कुड नॉट फाइंड इट. और उसके बाद इन द एंड वो स्क्वायरल उसको अपने बच्चे को छोड़ के चली गई. आई वेटेड फॉर लाइक हाफ एन आवर और समथिंग, और एकदम से अंधेरा हो गया था पूरा. सो आई डिड नॉट हैव एनी चॉइस, मैं उसको वहाँ पर छोड़ नहीं सकता था बिकॉज इट वॉज रेनिंग और रात के टाइम पे स्क्वायरल्स डू स्लीप. इसको ले जाऊँ क्या मैं? इसको ले जाऊँ क्या मैं? अबे कौवे खा जाएंगे ना इसे, वो ऊपर तो रखनी पड़ेगी फिर दोबारा, ये ऊपर से गिरा होगा. सो आई डिड नॉट हैव एनी अदर थिंग रादर देन ब्रिंगिंग हिम बैक होम विद मी. सो आई डिड दैट, आई स्टार्टेड फीडिंग हिम, आई फेड हिम वेल विद द हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस एंड द लेसन्स आई गॉट फ्रॉम माई प्रीवियस रेस्क्यू. आई केयर्ड फॉर हिम और नेक्स्ट डे आई वेंट देयर अगेन एंड दिस इज वॉट आई सॉ. अबे आजा 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 था बेचारा. पहचान तो गई यार. अबे नीचे गिर जाएगा, अबे नीचे गिर जाएगा. कहा
So the mother came, but the crows were again, they were all around. Suddenly a dog came and he just tried to take the baby away. और मैंने उसको डराया काफ़ी, उसको बाद उसको डरा कर भगाया मैंने. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के भी आई लुक फॉर द नेस्ट, बट ऑब्वियसली स्क्वेरल्स के जो नेस्ट होते हैं वो बहुत अंदर जाके हो सकते हैं, यू कैन नॉट स्पॉट देम ईजीली. सो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट अगेन, बट उसके बाद उसकी मदर आई नहीं. इट वॉज ऑलमोस्ट 1 आवर एंड येस देर वॉज नो साइन ऑफ द मदर. So I have him with me now. I did not have any other choice. I thought to go there again, but it's constantly raining, as you guys know. ये मानसून का time है, and I could not take the risk क्योंकि अगर मैं उसको वहाँ पर छोड़ कर चला जाता तो crows would have probably killed him. And so this is how I got another baby in my family. And yes, I have promised this myself. पहले जो भी हुआ, I don't want that to be repeated again. मैं उसकी और ज़्यादा अच्छे से केयर कर रहा हूँ. I am trying my level best, और अब उससे भी ज़्यादा मैं अच्छे से ट्राई करने वाला हूँ. I just want to save him. And he's a baby. पहले वाला जो आया था उसकी आँखें भी बंद थी when he came to me, but this was quite bigger than that. इसकी eyes open थी, but yes, he cannot walk properly. तो ये इतना छोटा है, बट येस ही हैज़ बिकम माई बेबी अगेन. एंड येस इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी शोइंग यू वट आई एम फीडिंग एंड हाउ आई एम कीपिंग हिम, एंड आई एम गोइंग टू पुट रेगुलर अपडेट्स ऑन हिम. एज यू कैन सी आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड. आई नो दिस द बेस्ट थिंग इज कि अगर उसको अपनी मदर मिल जाती तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट आई एम रियली सॉरी, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. बट जब मैं उसको छोड़ने गया था, ही जस्ट लुक्ड फॉर अ शेल्टर, तो ही फाउंड सम ट्रैश और वो उसमें जाके उसके ही ऑलमोस्ट स्लेप्ट ओवर देयर, एंड आई कुड नॉट सी हिम लाइक दैट क्योंकि क्रोज वर कॉन्स्टेंटली सर्चिंग फॉर हिम. और वो सारे जगह जहाँ पे भी मैं देखूँ, देवर ऑल क्रोज एंड द डॉग्स वर सराउंडिंग, सो आई कुड नॉट लीव हिम लाइक दैट. सो आई जस्ट हैव हिम इन माई हाउस नाउ. ही इज स्लीपिंग प्रॉब्ली, येस नॉट प्रॉब्ली, ही इज एक्चुअली स्लीपिंग. And yes, I'm going to release him जब ये बड़ा हो जाएगा. I used to have a squirrel for almost 3 years, और उसके बाद he became all wild, he started biting and all. So yes, I'm going to release him. I don't have any other option, और मैं इसको अपने पास रखना भी नहीं चाहता because they need trees to climb and I can release him. तो yes, I'm going to share the regular updates with you guys. And yes, that's it. Thank you so much for watching. Please hit the like button if you like the video, and please do subscribe, and please stay tuned because I am going to share many, many more videos of him as well as of my other pets, or I would say my family. So yes, thank you so much.